Hello students, I am Ankita Patel from The Group Tuition. Today we will discuss chapter number 2 of first flight book of class 10. The name of the chapter is Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom, written by Nelson Rolihlahl Mandela. Now, before we begin this chapter, I will tell you an introduction. Nelson Mandela was a very famous personality. He belongs to South Africa. South Africa, we all know, country located in African continent, is in southern part of Africa. Long Walk to Freedom is the name of the autobiography of Nelson Mandela. What is an autobiography? The life story of a person written by the person himself is called an autobiography. तो नेल्सन मंडेला ने अपनी लाइफ स्टोरी एक बुक में लिखी. बुक का नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. और इसी बुक में से एक छोटा सा पोर्शन आपकी बुक में है. नाउ बिफोर वी रीड द चैप्टर आई विल गिव यू एन इंट्रोडक्शन अबाउट नेल्सन मंडेला. ही वॉज एड्रेस्ड एज मादीबा. इट वॉज अ ज़ोसा क्लेन नेम. अब नेल्सन मंडेला एक क्लैन को बिलोंग करते थे जिसका नाम था ज़ोसा. इस क्लैन में इन्हें मादीबा कहा जाता था. ही बिलोंग्ड टू द थेम्बू रॉयल फैमिली. साउथ अफ्रीका में एक फैमिली थी थेम्बू. नेल्सन मंडेला इसी फैमिली से बिलोंग करते थे. ही वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका इन द ईयर 1994. Nelson Mandela served prison for 27 years for the abolition of apartheid, that is, racial discrimination, on the basis of the color of the skin. Skin ke base par, matlab white skin versus black skin. Matlab jo white color ki skin wale log the, wo black color ki skin wale logo par rule karte the. Black skin wale logo ko kahin kaam karna allow nahi tha. कई रिस्ट्रिक्टेड जगहों पर जाना अलाउ नहीं था. उन्हें पॉलिटिकल पोजीशंस नहीं दी जाती थी. उन्हें बहुत ज़्यादा अप्रेस किया जाता था बिकॉज देयर स्किन वॉज ब्लैक इन कलर. एंड दिस सिस्टम वॉज कॉल्ड अपार्टहाइड. ये जो सिस्टम है वो साउथ अफ्रीका में प्रेवलेंट था. बहुत सालों तक ये सिस्टम प्रेवलेंट था. और इस सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए नेल्सन मंडेला 27 सालों तक जेल में रहे. ही केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ द नेशन इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को फादर ऑफ द नेशन कह के सम्मानित किया जाता है क्योंकि इन्हीं के हार्डवर्क की वजह से साउथ अफ्रीका में जो अपार्थिड नाम का रेसियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम था वो अबॉलिश हो गया है. ये बहुत ही भयंकर और ऑप्रेसिव सिस्टम था जिससे ब्लैक कलर की स्किन वाले लोग थे उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मिजरेबल थी. और उन्हें इस चीज़ से आज़ादी दिलाने में नेल्सन मंडेला का बहुत बड़ा रोल है. जैसे इंडिया में महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हमारी फ्रीडम स्ट्रगल को मॉनिटर किया, हमें आज़ादी दिलाई, उसी तरह नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन लोगों को अपार्थिड से आज़ादी दिलाई. तो अब हम लेसन पढ़ेंगे. आई विल एक्सप्लेन यू द चैप्टर विद द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग. ब्राइट एंड क्लियर. ये जो 10th में है, दिस इज 10th में 1994. ये वो 10th में है जिस दिन नेल्सन मंडेला ने ओथ ली थी एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. तो वो इस दिन को डिस्क्राइब कर रहे हैं इस चैप्टर में. वो कहते हैं कि ये दिन बहुत ब्राइट और क्लियर था. फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वेर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन. हियर बिसीज्ड मीन्स टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय समवन. तो नेल्सन मंडेला पहले प्रेसिडेंट तो बने ही थे साउथ अफ्रीका के, साथ ही साथ एक बहुत बड़ी चीज़ हुई थी उस दिन. साउथ अफ्रीका में पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी. लोगों ने पहली बार वोट किया था और अपनी सरकार खुद चूज की थी. तो साथ ही साथ क्योंकि अपार्थिड यहाँ से अबॉलिश हो चुका था तो कई देशों ने साउथ अफ्रीका के साथ अपने रिलेशनशिप बढ़ाए क्योंकि अपार्थिड के दौरान बहुत ही ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ अपने रिलेशंस तोड़ दिए थे.
लेकिन अब एक बार फिर से उन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ अपने रिलेशन शुरू कर दिए। तो ये सारे वर्ल्ड लीडर्स साउथ अफ्रीका के साथ अपने रिलेशन बढ़ाना चाहते थे, इसलिए वहाँ आए थे। और वो नेल्सन मंडेला को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट चेंज किया था। द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। अब ये जो स्वेरिंग एंड सेरेमनी है, इसमें पूरी दुनिया से बहुत सारे लीडर्स आए हुए हैं। तो ऐसा साउथ अफ्रीका की धरती पर पहली बार हुआ था, ऐसा कोई सेरेमनी यहाँ पे पहले कभी नहीं हुआ था। द सेरेमनीज टूक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया में जो यूनियन बिल्डिंग आई हुई है उसके आगे बहुत सारी स्टेयर्स है जो एम्पीथिएटर फॉर्म करती है। यह एम्पीथिएटर मींस एन ओपन एयर थिएटर। तो ये जो सेरेमनी है वो इस एम्पीथिएटर में अरेंज की गई है। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमसी एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। हियर डिकेड मीन्स 10 years एंड डिकेड्स मीन्स बहुत साले, 10 सालों को इकट्ठा करके जो होता है उसको डिकेड्स बोला जाता है। तो बहुत सारे सालों तक यहाँ पे वाइट सुप्रीमसी मतलब के अपार्थाइड का राज चलता था, लेकिन आज अलग अलग देशों से बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो जैसे कि रेनबो में 7 colors होते हैं जो अलग अलग होते हैं, उसी तरह से अलग अलग देशों से अलग अलग लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं किस चीज़ के लिए, तो साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो पहली बार साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में ऐसा कुछ होने जा रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ, यहाँ पे नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म होने जा रही है। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज एकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं ऑटम डे, डेट क्या है 10 May 1994। मई के महीने को हम यहाँ पे समर सीजन कहते हैं, लेकिन नेल्सन मंडेला उसे ऑटम कह रहे हैं। व्हाई? आई थिंक सम ऑफ यू माइट नो द रीज़न, बट जिनको ये नहीं समझ आ रहा मैं आपको बताती हूँ कि साउथ अफ्रीका लाइज इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में नदर्न हेमिस्फीयर से अपोजिट सीजन होता है। जब हमारे यहाँ समर सीजन चल रहा है तो उनके वहाँ विंटर सीजन शुरू होने वाला है, और विंटर से पहले क्या आता है ऑटम। इसलिए नेल्सन मंडेला कह रहे हैं ऑन दैट लवली ऑटम डे, तो वो कहते हैं उस दिन उनके साथ उनकी बेटी जैनानी भी थी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट सworn इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो पोडियम मीन्स स्टेज, तो स्टेज पे सबसे पहले सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट वहाँ पे sworn करते हैं। देन थाबो मेकी वॉज sworn इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो उसके बाद थाबो मेकी ने एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ओथ ली। व्हेन इट वॉज माई टर्न आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। तो नेल्सन मंडेला ने कहा कि जब उनकी बारी आई ओथ लेने की तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने की ओथ ली। हियर कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स सेट ऑफ रूल्स कि सरकार कैसी चलेगी, और टू डिवोट माई सेल्फ टू वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल मतलब कि लोगों के वेल बीइंग के लिए, वेलफेयर के लिए अपने आप को समर्पित कर देने की ओथ ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, इकट्ठा हुए लोग और दुनिया के लोगों से उन्होंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय अवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी। हियर लिबर्टी मीन्स फ्रीडम फॉर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ अपार्थाइड। तो आज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से जो हमें लिबर्टी मिली है वो सारे ही लोग ये चाहते हैं कि बनी रहे। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमिनिटी विल बी प्राउड।
तो यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, ह्यूमन डिजास्टर मीन्स हियर रेसियल डिस्क्रिमिनेशन जो अपार्थिड के हिसाब से हमें मिला, तो इससे लोगों ने बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ें सही है, और इन तकलीफ़ों के एक्सपीरियंस से जो लोग बाहर निकले हैं तो लोग ऐसे बिहेव करेंगे कि सारी दुनिया उन पर प्राउड करेगी। वी हु वर आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन अवर सॉइल। आउटलॉस refers to those countries which has served diplomatic relation with South Africa due to practice of apartheid. अब वो सब countries ने South Africa के साथ अपने relation form कर लिए हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद थे Nelson Mandela की swearing in ceremony को attend करने के लिए, और Nelson Mandela कह रहे हैं कि आज उन सब कंट्रीज़ ने हमें अपना लिया है, आज तक वो सब हमें आउटलॉस समझते थे, उन्होंने हमारे साथ रिलेशन ख़त्म किए हुए थे, लेकिन वो आज यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने हमें ये प्रिविलेज दिया है कि आज हम उन्हें होस्ट कर रहे हैं और वो हमारे मेहमान बने हैं, उन्होंने हमें एक्सेप्ट कर लिया है। वी थैंक ऑल ऑफ अवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ अवर कंट्री ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी। डिग्निटी मीन्स रिस्पेक्ट। तो इतनी सारी कंट्रीज से सारे लोग आए हैं, लीडर्स आए हैं, तो लोग क्या कहते हैं कि अपार्थिड के अबॉलिशन से ह्यूमनिटी की जीत हुई है, लोगों की जीत हुई है, पीस की जीत हुई है और ह्यूमन बीइंग की रिस्पेक्ट की जीत हुई है। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच से क्या किया, उन्होंने सारी कंट्रीज़ को साउथ अफ्रीका के साथ जोड़ लिया और उन्होंने ये कहा कि अपार्थिड की अबॉलिशन से सारी दुनिया खुश है क्योंकि ये इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को कोई भी सपोर्ट नहीं करता। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन। जैसे कि हम जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में आज तक अपार्थाइड को प्रिवेलेंट किया जाता था, इसका मतलब है कि लोग यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड थे कुछ कुछ बातों के लिए, जैसे कि ना ही कोई पार्टिसिपेट कर सकता था पॉलिटिक्स में, ना ही कोई नेता बन सकता था, लेकिन आज के बाद सारे ही लोग ये सब कुछ काम कर सकते हैं, सारे ही लोग आज़ाद है। वी प्लेज अवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल अवर पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी डिप्रिवेशन सफरिंग जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। हियर डिप्रिवेशन मीन्स स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट। जब आप किसी को अपना हक नहीं देते, इट इज़ कॉल्ड डिप्रिवेशन। एंड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली, किसी भी चीज़ के लिए अलग अलग लोगों में भेदभाव करना। तो आज नेल्सन मंडेला एक नेता बनके ये प्लेज ले रहे हैं, ये ओथ ले रहे हैं कि आज के बाद ना तो कोई पर्सन साउथ अफ्रीका में पॉवर्टी डेप्रिवेशन सफरिंग यानी कि दुख तकलीफ जेंडर और अदर डिस्क्रिमिनेशन, ना ही कोई भेदभाव का भोगी बनेगा। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। हियर ऑपरेशन मीन्स किसी को एक्सप्लॉइट करना या तो किसी को फोर्स करना, जैसे कि अपार्थाइड की वजह से यहाँ पे सारे लोगों को किसी ना किसी तरह से ऑप्रेस किया जाता था, तो आज के बाद जैसे कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका को ब्यूटीफुल लैंड बता रहे हैं, तो इस ब्यूटीफुल लैंड पर आज के बाद ऐसे किसी के द्वारा ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. के अपार्थाइड को अबॉलिश करके जो अचीवमेंट हमने हासिल की है, इसका सन कभी भी सेट नहीं होगा, ये सिचुएशन अब कभी नहीं बदलेगी। Few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. Here, awe means surprise, hairani se, and array means
एन अप्रेसिव डिस्प्ले। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, तो अफ्रीका के जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स आसमान में उड़ने लगे और वो सैल्यूट कर रहे थे, सलामी दे रहे थे वहाँ की नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। और ये देख के सारे ही लोग हैरान थे क्योंकि बहुत ही सुंदर नज़ारा वहाँ पर क्रिएट हो रहा था। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military loyalty to democracy, to a new democratic that had been freely and fairly elected. Here, precision means accuracy. It was not only a display of pinpoint precision. ये सिर्फ देखने लायक नज़ारा ही नहीं था, बल्कि वहाँ की मिलिट्री इस नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए लॉयल है ऐसे क्रिएट कर रही थी। ऐसा नज़ारा वहाँ पे क्रिएट हो रहा था कि सारे ही मिलिट्री अब इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ है। Moments before, the highest generals of the South African Defence Force and police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. Here, pledged means promised. तो थोड़ी ही देर पहले, मतलब कि इस एयर शो के पहले, साउथ अफ्रीका के जो डिफेंस फोर्स है और पुलिस फोर्स है, जिनके यूनिफॉर्म पे रिबन्स और मेडल्स लगे हुए हैं जो उन लोगों ने जीते थे, वो नेल्सन मंडेला को सैल्यूट कर रहे थे और ये प्लेज ले रहे थे कि वो अपने कंट्रीमैन से लॉयल रहेंगे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। हियर अनमाइंडफुल मीन्स कॉन्शियंस ऑफ और अवेयर ऑफ। तो आज नेल्सन मंडेला को कुछ ऐसी बातें याद आ रही है कि यही जो पुलिस फोर्स और डिफेंस फोर्स के जो ऑफिसर्स हैं वो कुछ ही सालों पहले मुझे अरेस्ट करते थे, क्योंकि नेल्सन मंडेला अपार्टाइड के अपोज में थे, वो साउथ अफ्रीका की सरकार के अपोज में थे, वो विद्रोह करते थे, इसलिए सारे ही पुलिस फोर्स और डिफेंस फोर्स वाले उनको अरेस्ट करते थे। तो वो सोच रहे हैं कि आज ये चीज़ें कितनी बदल गई है कि जो लोग मुझे कुछ सालों पहले अरेस्ट करना चाहते थे वही आज मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ अ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। हियर शेवरॉन इज zigzag pattern in shape of V। तो हमने कई बार देखा होगा कि आसमान में जब जेट्स उड़ान भरते हैं तो कई बार वो zigzag pattern की शेप बनाते हैं, तो यहाँ पे भी जो जेट्स उड़ रहे थे वो zigzag pattern बनाते हुए ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड रंगों का धुआं छोड़ रहे थे। ये सारे ही रंग साउथ अफ्रीका के फ्लैग में हैं। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Kosi Sikli E Africa and the black singing Die Stem, the old anthem of Republic। तो जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी कंट्री में जब भी कोई नेशनल फंक्शन होता है तो वहाँ का नेशनल एंथम प्ले किया जाता है, तो वैसे ही यहाँ पे वाइट लोगों का और ब्लैक लोगों का नेशनल एंथम प्ले किया गया। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. Here, despised means had a very low opinion of, हम कह सकते हैं कि dislike करना कि। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आज साउथ अफ्रीका से अपार्टाइड बिल्कुल अबॉलिश हो चुका है, तो आज सब लोग अपने अपने नहीं एक दूसरे के नेशनल एंथम भी गा रहे हैं, चाहे उनको उसका मतलब पता हो या ना हो, क्योंकि आज के बाद सारे ही लोग एक बराबर हैं। तो धीरे धीरे करके सारे लोग अपने अपने एक दूसरे के भी नेशनल एंथम सीख सकते हैं। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला हमें बताते हैं कि जबकि आज एक खुशी का दिन है, बहुत ऐतिहासिक दिन है, तो इस दिन उन्हें गुजरे हुए सारे दिन, सारे ही बरस, सारी ही हिस्ट्री उनको याद आ रही है कि कैसे कैसे करके कितनी दुख और तकलीफ़ें सहन करने के बाद वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War,
एंड बिफोर माई ओन बर्थ द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैचड ऑफ देयर डिफरेंसेज एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेसियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड. हियर फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी मीन्स 1900 की शुरुआत में. फर्स्ट डिकेड मीन्स 1900 से लेके 1910 तक. तब क्या हुआ था? तो फर्स्ट एंग्लो बॉर वॉर हुई थी, दैट इज़ इंग्लिश और अफ्रीका के बीच में वॉर हुई थी. इसी वॉर के बाद डिस्क्रिमिनेशन प्रिवलेंट हुआ था. इसी वॉर के बाद यहाँ पे रेसियल डिस्क्रिमिनेशन को अप्लाई किया गया था. यहाँ के साउथ अफ्रीका के इंग्लिश मतलब के वाइट स्किन वाले लोग ब्लैक स्किन वाले लोगों को डिफ्रेंशिएट करते थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करते थे. स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. तो साउथ अफ्रीका का जो सोशल स्ट्रक्चर था, जो 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में अपार्थिड के बेस पर लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया था वो बहुत ही हार्श और इनह्यूमन था. ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था. Now, in the last decade of 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. Now, the last decade of the 20th century means 1990s से 2000 तक. तो ये जो बात हो रही है ये कब की है? 1994 की, जब अपार्थाइड को अबॉलिश कर दिया गया था. और ये 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में पड़ता है. और नेल्सन मंडेला अपने 8th डिकेड में है, मतलब के 80s में है. तो वो कह रहे हैं कि जब अपार्थाइड को अबॉलिश कर दिया गया है तो सारे ही लोग, सारे ही कलर के स्किन के लोग एक समान हैं, सबके हक और आज़ादी बिल्कुल ही एक समान है, अब कोई भेदभाव नहीं है. Day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. तो जबकि आज नेल्सन मंडेला को पूरी हिस्ट्री याद आ रही है, तो उन्हें वो लोग भी याद आ रहे हैं जिन हजारों लोगों ने बहुत ही दुख तकलीफ़ें सहन की है और पूरी हिम्मत दिखाई है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ये दिन देख सके. लेकिन बहुत दुख की बात है कि वो लोग आज उनके साथ नहीं है. That long and noble line ended and now begin again with me. I was pained that I was not able to thank them and they were not able to see what their sacrifices had wrought. तो वो कह रहे हैं कि आज उन्हें उतनी दुख हो रहा है, उतनी तकलीफ़ हो रही है कि जिन जिन लोगों ने इतने सैक्रिफाइस किए हैं ये दिन देखने के लिए, वो लोग आज यहाँ पे नहीं हैं. प्रोबेबली वो लोग मर चुके होंगे. तो आज अगर वो लोग यहाँ पे नहीं हैं तो उन लोगों को नेल्सन मंडेला थैंकफुल भी नहीं हो पा रहे. हियर रॉट मीन्स डन और अचीव. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generation, recovering from that profound hurt. तो नेल्सन मंडेला ये कह रहे हैं कि मेरे कंट्री के लोगों ने इतने ज़्यादा दुख सहन किए हैं अपार्थाइड के डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, कि उनके गांव इतने ज़्यादा गहरे हैं कि उनको गांव भरने में बहुत से साल लग जाएंगे. The decades of oppression and brutality had another unintended effect. लेकिन इस ऑपरेशन का जो खराब समय बीता उसने तो अपने कुछ अलग ही इफेक्ट दिखाई. And that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulus, the Chief Lutulus, the Yusuf Dadus, the Bram Fischers and the Robert Subicus of our time. Men of such extraordinary courage,
विजडम एंड जेनरोसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला बहुत से ऐसे नाम बता रहे हैं जिससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो 100 साल ऑलमोस्ट 100 साल का अपार्टाइड डिस्क्रिमिनेशन का ड्यूरेशन था उसमें साउथ अफ्रीका में इतने महान लोगों को हमने देखा जो अपने देश से इतना ज़्यादा प्यार करते थे, जिन्होंने इतना ज़्यादा करेज रखा, विजडम रखी, जेनरोसिटी रखी कि अपने देश के लोगों के लिए ऐसी लड़ाई की कि दुनिया में ऐसे लोग दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर। तो इस लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि हो सकता है कि जब किसी इंसान पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है, इतना ज़्यादा उसे एक्सप्लॉयट किया जाता है, तब जाके उस इंसान में इतनी ज़्यादा क्वालिटी उभर के आती है। जब कोई भी पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट करता है, आपको ऑप्रेस करता है, तो जाके आप में एक रिबेलियन की, एक विद्रोह करने की ताकत आ जाती है। कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। हम सबको पता है कि साउथ अफ्रीका इज़ फेमस फॉर रॉ डायमंड्स, बहुत बड़ी बड़ी डायमंड्स की खदानें हैं जहाँ से रॉ डायमंड्स पा सकते हैं। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला ये कहना चाहते हैं कि उनके देश में इतने सारे जेम्स हैं जो धरती के नीचे गड़े हुए हैं, लेकिन वो सही मायने में तो उनके देश के लोगों को ही असली हीरा मानते हैं। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न्ड द मीनिंग ऑफ करेज। हियर कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल मीन्स उनकी जो लड़ाई थी उनमें जिन जिन लोगों ने उनका साथ दिया है, उनके जो दोस्त हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उन्हीं से इन्होंने करेज यानी कि हिम्मत का मतलब सीखा है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। और इस दौरान उन्होंने ये भी देखा है कि बहुत से लोग अपने एम को पूरा करने के लिए इतने ज़्यादा उसमें डूब जाते थे कि उस एम को पूरा करने के लिए वो अपनी जान भी देने के लिए तैयार थे। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। हियर रेजिलेंस मीन्स द एबिलिटी टू डील विद हार्डशिप्स एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट। तो नेल्सन मंडेला हमें ये बताना चाहते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जितना भी चाहे टॉर्चर को सहन कर लेते हैं, अटैक से नहीं डरते, टूटते नहीं हैं और इतनी ज़्यादा ताकत दिखाते हैं कि कितनी भी दुख तकलीफ़ हो उससे वो बाहर निकल सकते हैं। तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम में से कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि हमें ये लेसन क्यों पढ़ाया जा रहा है, हम क्यों ये सब पढ़ रहे हैं कि नेल्सन मंडेला ने क्या सोचा, उन्होंने क्या किया। तो हम इससे ये सीख ले सकते हैं कि हम में इतनी ज़्यादा ताकत है, लोगों में इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर हमने एक बार कुछ करने की ठान ली तो कितनी भी ज़्यादा हार्डशिप से, कितनी भी ज़्यादा मेहनत से हम वो चीज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे इन सब लोगों की कहानी से भी हमें ये पता चल रहा है कि इन लोगों ने भी एक बार ठान ली कि अपार्टाइड के डिस्क्रिमिनेशन को वो लोग ख़त्म कर देंगे, तो वो लोग ने ये करके दिखाया। तो यहाँ पे हमारा नेल्सन मंडेला का पार्ट 1 ख़त्म होता है, आगे की स्टोरी पार्ट 2 में। तो अगर आपको ये लेसन बिल्कुल समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।